वेलकम इन आई स्टडी ऑनलाइन। बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्कशन कर रहे थे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहा था कंप्लीटेड ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट गैलीलियन के बाद क्या आने वाला है? लोरेंज रूपांतरण समीकरण। देखिएगा, लुक इट लोरेंज रूपांतरण समीकरण। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं जी, लोरेंज लिखते हैं लोरेंज को, ठीक है ना? लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लोरेंज रूपांतरण समीकरण आपेक्षिकता के, सुनना ध्यान से, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित होती है। मीनिंग क्या हुआ? आपको लोरेंज रूपांतरण पढ़ना है तो क्या पता होना चाहिए? आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और किसने प्रतिपादित की थी जी? आइंस्टीन ने बताया था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आइंस्टीन ने बताया था। दो अभिग्रहित दिए थे जी, प्रथम अभिग्रहित सिद्धांत दिए थे, मतलब आप ये बोल सकते हो कि सिद्धांत दिए थे, प्रथम अभिग्रहित और दूसरा सेकेंड अभिग्रहित। अभिग्रहित को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टुलेट्स, समझे? अपना समझना है कि प्रथम अभिग्रहित क्या होता है। जैसे कि अपन कह रहे थे कि गैलीलियन का मैं एग्जांपल दूं, एक निर्देश तंत्र एस था, दूसरा निर्देश तंत्र क्या था? एस बेस था। तो प्रथम अभिग्रहित अपने को इन निर्देश तंत्रों के बारे में ही बताता है। मीन्स किसी भी मुक्त आकाश में घटित होने वाली भौतिक घटनाओं के सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। मीन्स दो निर्देश तंत्र हूं, एक एस है, दूसरा क्या है जी? एस डेस। यदि ये गतिशील हो तो इनके सभी भौतिक नियम इनमें क्या होते हैं? वैध होते हैं। ये कौन सा अभिग्रहित है? प्रथम अभिग्रहित। और प्रथम अभिग्रहित का दूसरा नाम होता है जी तुल्यता। याद क्या रख सकते हो आप? प्रथम अभिग्रहित या तुल्यता का सिद्धांत या तुल्यता का नियम क्या है? अलग अलग निर्देश तंत्रों में गतिशील पार्टिकल में भौतिकी के आधार पर जो सिद्धांत दिए गए थे वो क्या रहते हैं जी? नियत रहते थे, जैसे कोई वेग हो, ठीक है? और सेकंड जो पोस्टुलेट है वो अपने को प्रकाश की वेग सी के बारे में बताएगा। मीन्स प्रकृति में सबसे ज्यादा वेग कौन सा होता है? प्रकाश का वेग होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट्स, मुक्त आकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग अचर रहता है। मीन्स सेकेंड पोस्टुलेट आपको क्या बताएगा? सी इज कॉन्स्टेंट, बहुत आसान सा है। सेकेंड आपको प्रकाश के वेग सी को कांस्टेंट के बारे में बताएगा। और इसका दूसरा नाम भी होता है समकालिकता, समकालिकता का नियम या सिद्धांत। समझ आई बात? अपन ने पढ़ा है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, इसमें दो अभिग्रहित होते हैं, प्रथम अभिग्रहित का दूसरा नाम होता है तुल्यता का नियम, सेकेंड अभिग्रहित को अपन बोलते हैं समकालिकता का सिद्धांत। प्रथम अभिग्रहित के अनुसार भौतिकी में जब निर्देश तंत्र गतिशील होते हैं उनके समस्त नियम क्या रहते हैं जी? नियत रहते हैं। दूसरा नियम आपको ये बताएगा कि प्रकाश का जो वेग होता है वही अधिकतम वेग होता है। समझ रहे? दो कॉन्सेप्ट थे जिसे, और इसके ऊपर बेस्ड जो इक्वेशन है वो कौन सा है जी? लोरेंट रूपांतरण समीकरण। तो ये जायज बात है, लोरेंज पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना था? आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। लैंग्वेज पूरी लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, यू नो इजीली, ठीक है? अपन शुरू करते हैं लोरेंज रूपांतरण समीकरण। बाई डायग्राम से अपन शुरू करेंगे। अपन ये मान के चलेंगे कि कोई दो निर्देश तंत्र है, एक एस है और दूसरा एस डेस है। ध्यान से सुनिएगा, वैसे ही डायग्राम बनाएंगे जैसे अपन गैलीलियन में बनाते थे। सपोज कर लिया अपन ने ये अपने लिए एस निर्देश तंत्र, एक्स वाई, और इस तरफ इसकी जो दिशा है वो कौन सी है? जेड दिशा। समझ आ रही है बात? दूसरा निर्देश तंत्र अपन लेते हैं एस डेस, ये लो एस डेस। एस डेस निर्देश तंत्र की खास बात क्या है? ये एस के सापेक्ष वी वेग से क्या होगा? गतिशील। समझ आ रही है बात? एक्स डेस इधर क्या हो गया जी? वाई डेस। इधर अपन क्या ले लेते हैं? जेड डेस। इसका मूल बिंदु ओ, इसका मूल बिंदु ओ डेस। समझने वाली बात बताएंगे अभी आपको, पहले तो अपन वही कर रहे हैं जो रटा रटाया काम है, बिंदु पी।
मिला दिया था, इसको भी मिला दिया था। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, स्पेस होता है मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए, फिर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, फिर स्पेस मैंने छोड़ दिया, मीन्स एक्स डेस कोमा वाई डेस कोमा जेड डेस। समझ आई इतनी बात? इतना अपन गैलीलियन में पढ़ रहे थे, लेकिन अब अपने को लोरेंज रूपांतरण पढ़ना है, तो यहाँ पर लोरेंज का कॉन्सेप्ट काम में आएगा। आप ये मान के चल सकते हो कि ओरिजिन पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो जीरो जीरो, इसके भी क्या होंगे, जीरो जीरो जीरो। समझ आ रही है बात? आप नॉर्मल देखिएगा, अपने लिए दिशा कितनी, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, लेकिन लोरेंज ने यह बताया था कि जब भी ये कोऑर्डिनेट आप लिखते हो तो यहाँ पर तीन ही कोऑर्डिनेट नहीं होते, कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, चार, और चौथा जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसका कोऑर्डिनेट होता है, टाइम का। बस ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से समझ लो, गैलीलियन ने अपने को बता दिया था कि तीन कोऑर्डिनेट है, लेकिन लोरेंज ने क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल की पोजिशन यदि आप डिनोट करते हो, ठीक है, तो उस डिनोटेशन के अंदर आप तीन से ही काम नहीं चलाओ, उसके साथ टाइम का फैक्टर भी आएगा। मींस यहाँ पे टाइम का फैक्टर क्या, जी टी, सेकंड के लिए मान लो टाइम अपन ले रहे हैं टी डेज। मैं वापस वही बात बता देता हूँ, प्रारंभ में जब ओ ओ डेज पर संपातित है, ओ डेज को उठाओ ओ के ऊपर रखो, तो लगने वाला टाइम टी बराबर टी डेज बराबर अपन क्या, जीरो। तो अपन डी टी की जगह क्या रखते थे, डी टी डेज, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो अब अपन ने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि इस वाले को उठाया, उठा के कहाँ रखा, ओ डेज पर। तो आपके पास डायग्राम कैसा बना, देखिएगा ध्यान से, एक्स एक्स डेज वाई वाई डेज, इस तरफ क्या है जी, जेड जेड डेज। तो जैसे ही ओ किसके पास आ गया, ओ डेज, तो आपको एक तरंगागर, मीन्स ये दोनों एक जगह आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई प्रकाश का स्रोत है, और वो दोनों तरफ या अपने चारों तरफ किसी प्रकार के तरंगागर पैदा कर रहा है, और मैं जो तरंगागर बना रहा हूँ वो किस आकृति के आपको दिखाई दे रहे होंगे, मीन्स गोलाकार तरंगागर ये उत्पन्न करते हैं। समझे कॉन्सेप्ट, क्या कहा मैंने, जब ओ वाई ओ डेस को ऊपर लाया जाता है तो अपने को ये महसूस होता है कि इन दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो पॉइंट लगातार किसी न किसी प्रकार का तरंगागर उत्सर्जित करते हुए रहेगा, और ये कब आएंगे पास पास, जब टी बराबर टी डेस बराबर क्या हो, जीरो। बनने वाला तरंगागर क्या है जी, गोलीय तरंगागर। ये अपन ने अभी तक थ्योरी का डिस्कशन किया है कि इसमें अपन थ्योरी क्या लेंगे, समझ आई इतनी बातें कि कैसे अपन थ्योरी को लेके चलें। अब अपन नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं। अब सोचिए आप एक छोटी सी बात कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ओपी, ये दूरी ओ डेस पी, तो इस दूरी का मान क्या होगा, निकालने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज समझ आई ना, ठीक है, और लैंग्वेज का वो पार्ट उठाते हैं अपन तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बाकी पार्ट अपन नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, वैसे तो आप आपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ोगे तो भी एक दो पेज भरोगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें नंबर मिलते हैं वो आपको पढ़ना होता है। मैं आपको कह दूं कि प्रेक्षक ओ द्वारा गोलीय तरंगागर जब दोनों पास पास थे, तरंगागर बन रहा था, तो बिंदु ओ से मान लो किसी बिंदु पी पर कोई तरंगागर पहुंचता, मीन्स ये तरंगागर यहाँ से निकलता निकलता कहाँ तक पहुंचे, पी तक पहुंचे, तभी आपके आप कह सकते हो कि एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या स्थित है, पी। उसी प्रकार ओ डेस से कोई तरंगागर निकलता निकलता कहाँ तक पहुंचे, पी तक पहुंचे, तब आप क्या कहते हो कि ओ डेस के रेस्पेक्ट में पी कोई स्थिति है। तो क्या कहा मैंने कि एस निर्देश तंत्र के लिए जब गोलीय तरंगागर बनता है तो व्याख्या किस प्रकार से करते हो, तो एक एग्जांपल ध्यान रखो, नहीं फॉर्मूला ध्यान रखो, समय बराबर क्या होता है जी, दूरी बट्टा चाल, और जो भी यहाँ पर तरंगागर निकलते हैं उन तरंगागर का जो वेग होता है वो अपन क्या लेते हैं, सी। सी का मतलब प्रकाश के वेग, प्रकाश का वेग क्यों लिया, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, समझ आई बात। चलिए यहाँ से दूरी निकालिए, तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो गया, समय मल्टीपल बाई चाल। अब एस निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र में बिंदु ओ से कहाँ तक जा रहा है, पी तक जा रहा है, समझना एक छोटी से छोटी बात समझते हुए चलना। एस निर्देश तंत्र में कोई भी पार्टिकल ओ से, मीन्स पार्टिकल नहीं, कोई तरंगागर ओ से कहाँ तक पहुँच रहा है, पी तक, मीन्स अपने लिए दूरी क्या हो गई जी, ओ पी। समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है ना, समय ये लो जी टी लग रहा है अपने पास,
ठीक है। और चाल किस वेग से गति कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। ये मान लो इक्वेशन क्या हो गई, वन। यहाँ पे अपने को ये ढूंढना होता है कि ये दूरी कितनी है। तो जब दो कोऑर्डिनेट आपके पास होते हैं तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर। अप्लाई कर दो जिसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो जीरो, तो एक्स वन वाई वन जेड वन मान लीजिएगा, इसको क्या मान लो एक्स टू वाई टू जेड टू। क्यों? क्योंकि अपन एस निर्देश तंत्र में चल रहे हैं। तो ओपी क्या मिला आपको, ध्यान से देखना, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू एक्स माइनस एक्स वन जीरो का स्क्वायर, आगे बढ़ो प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई माइनस जीरो का क्या हो गया जी, स्क्वायर हो गया, प्लस जेड टू माइनस जेड वन, तो जेड माइनस जीरो का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, वी टी। ठीक है, यहाँ तक स्क्वायर खोल दो इसका, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इक्वल सी टी। रूट हटाने के लिए दोनों ओर वर्क कर दो, स्क्वायर आप करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, उस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या मिल गया, सी स्क्वायर टी स्क्वायर दैट इक्वल जीरो। इक्वेशन नंबर टू मीन्स अपन ने एस निर्देश तंत्र के लिए सॉल्यूशन किया है और सॉल्यूशन करने के बाद एक इक्वेशन अपने लिए फाइंड हो गया। अब ये काम अपन किसके लिए करें, एस डेस निर्देश तंत्र में करें। तो सुनिएगा ध्यान से, यही काम मैं कर रहा हूं एस डेस निर्देश तंत्र के लिए। एस डेस निर्देश तंत्र हो गया, फॉर्मूला यही रहेगा, दूरी क्या हो जाएगी, ओ डेस पी, समय टी और चाल वी। आगे बात समझ में, वी नहीं, वी के बराबर आप क्या लेते थे, सी। मीन्स यहाँ पे क्या है जी, सी, प्रकाश का वेग लेते हैं हमेशा। मीन्स ये वाला वी क्या होगा, प्रकाश का वेग सी अकॉर्डिंग टू स्पेशियल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वापस वही बात, ओ डेस पी निकालना है तो सीधा निकाल लेते हैं रूट, इस बार ये एक्स वन वाई वन जेड वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स टू वाई टू जेड टू। ठीक है, चलिए एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स वन डेस माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y1 वन डेज माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z1 वन डेज माइनस जीरो का स्क्वायर किसके बराबर आ गया जी, सी टी। लगने वाला टाइम क्या t है, नहीं, जब s डेज की बात करते हैं तो लगने वाला टाइम क्या होता है, t डेज, वो बात अलग होती है जब संपातित हो जाए। बढ़ो आगे, तो रूट यहां से क्या मिल गया, x1 वन डेज स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिल गया, y1 वन डेस स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या मिल गया, z1 वन डेस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, सी टी डेस। डरना मत, बहुत आसान है, ठीक है ना, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो x1 वन डेस स्क्वायर प्लस y1 वन डेस स्क्वायर प्लस z1 वन डेस स्क्वायर किसके बराबर, सी स्क्वायर टी डेस स्क्वायर। उस वाली टर्म को इधर ले आओ, अपने को क्या मिला, x1 वन डेस स्क्वायर प्लस y1 वन डेस स्क्वायर प्लस z1 वन डेस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डेस स्क्वायर दैट इक्वल जीरो। ये इक्वेशन नंबर तीन। मैं ये आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अब डायग्राम का कोई काम नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए कैसा लॉजिक मैंने बताया था आपको, क्योंकि गैलीलियन रूपांतरण अपन जानते हैं, मींस डेस वाले को किस में चेंज करो, इस वाले में चेंज करो, मींस जहां पे भी डेस लगा हुआ है उसमें गैलीलियन काम में लो, गैलीलियन काम में लेने के बाद किस में चेंज कर दो उसको, एक्स वाली फॉर्म में विदाउट डेस वाली में चेंज कर दो। मीनिंग क्या है कहने का, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण काम में लेने पर किससे जी, बाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ यदि एक्स डेस लिखा हुआ है तो एक्स डेस क्या होता है, एक्स माइनस वी टी, वाई डेस क्या होता है बोलो, वाई माइनस नहीं होता जी, क्यों, क्योंकि अपन ने कहा लोरेंज में भी किस दिशा में जा रहा है, एक्स दिशा में, तो कोई भी कण एक दिशा में जब गतिशील होता है तो बताया हुआ है सिर्फ एक ही जगह आपके लिए क्या आता है, वी टी आता है, तो वाई डेस क्या हो गया, वाई। आगे चलो, जेड डेस किसके बराबर हो गया, गैलीलियन में इतना अपन ने पढ़ा था, ठीक है, और जब संपातित की सिचुएशन होती है तो टी डेस किसके बराबर, टी। गैलीलियन जब काम में लेते हो तो टी डेस किसके बराबर, टी।
कॉन्सेप्ट समझ आया, पीछे प्रूव करवा चुके हैं आपको गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में। इसको इक्वेशन अपन मान सकते हैं चार, समीकरण चार को समीकरण तीन में रखने पर रखिएगा। x माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई डेज की जगह वही वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस क्या हो गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर दैट इक्वल जीरो। समझ गए, स्क्वायर खोलिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल जीरो। सुंदर तरीके से लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इतना तो हो गया, आगे क्या आया प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी किसके बराबर आ गया जी जीरो। और इसको अपन ने कितना समीकरण मान लिया पाँच। क्या निष्कर्ष निकला, यदि समीकरण पाँच की समीकरण दो से तुलना करने पर दोनों बराबर नहीं आते हैं, इसका मीनिंग क्या है, जब एक निर्देश तंत्र दूसरे के सापेक्ष आगे भाग जाएगा तो उसकी स्थिति में संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि काम करता तो ये वाली जो एक्स्ट्रा टर्म अपने पास आ रही है वो टर्म नहीं आती, सीधी कौन सी इक्वेशन मिल जाती है अपने को दो, इसका मीनिंग कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ जिसने दूर की वो कौन है, लोरेंज रूपांतरण समीकरण। ये समझाने का प्रयास था मेरा कि कैसे आप पता लगाओ कि लोरेंज ने क्या बताया था, मींस जब इक्वेशन टू की इक्वेशन फाइव से आप कंपेरिजन करो तब आपको पता लगता है कि यहाँ एक जो एक्स्ट्रा टर्म आती है इस एक्स्ट्रा टर्म के द्वारा ही अपन लोरेंज के बारे में पढ़ते हैं। अदरवाइज ऊर्जा यदि संरक्षित होती, संवेग यदि संरक्षित होता तो जीटी में ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था। इसका मीनिंग क्या है, समीकरण दो और पांच को बराबर होने के लिए, सुनना ध्यान से, समीकरण दो और पांच को तुल्य मानने के लिए जो अतिरिक्त पद निकल के आ रहा है उस अतिरिक्त पद में, और हाँ अतिरिक्त पद में किसी प्रकार का कोई रेखीय संबंध होना चाहिए। क्या बोला मैंने, किसी न किसी प्रकार का कैसा संबंध होना चाहिए, रेखीय संबंध। ठीक है जी, अपन मान के चलते हैं, वही बात पहले पढ़ा सरल आवर्त गति सॉल्यूशन, मान के चले थे वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी मान के चलेंगे वैल्यू निकालेंगे। समझ गए, तो रेखीय संबंध अपन इस प्रकार से मानेंगे कि यदि कहाँ पे x डेस है, ध्यान से सुन लेना, x डेस को अपन मान लेते हैं एल्फा x प्लस बीटा t। समझ आई बात, ऐसा कोई रेखीय इक्वेशन मानते, ये अपन नहीं मान रहे, लोरेंज ने माना था। और वाई डेस की जगह तो वाई मानना है, क्यों, क्योंकि वाई वाला मैच हो रहा था। ठीक है, फिर देखो जेड डेस की जगह जेड क्यों मानना, क्योंकि मैच हो रहा था। टी भी मैच नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि टी की एक टर्म तो ये थी, दूसरी टर्म ये थी, एक्स की भी यहाँ टर्म थी, तब करेक्शन किस में होगा, एक्स में होगा और टी में होगा। सपोज कर लिया अपन ने कि टी डेस का मान एल्फा बीटा अपन ने ले लिया, अब अपन ले लेते हैं गामा और डेल्टा, तो गामा एक्स प्लस डेल्टा टी, ये बात आपके समझ आई कि नहीं। इसको मैं इक्वेशन कोई ए मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन कोई मैं बी मान लेता हूँ, आई बात समझ में। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करने के लिए किस प्रकार अपन आगे बढ़ेंगे। ए और बी मान लिया, और ये जो कंप्लीट इक्वेशन है इसको मैंने क्या मान लिया है, छः मान लिया। अब प्रारंभ में अपन क्या कह रहे हैं कि जब x डेस बराबर जीरो है, जब x डेस बराबर जीरो है तब वेग क्या है जी, v है। सुनना ध्यान से, इन इनिशियल लैंग्वेज बता चुके हैं, इनिशियल कंडीशन में यदि x डेस बराबर जीरो है तो वेग कितना निकल के आ रहा है जी, v निकल के आ रहा है। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन ए, समीकरण ए का करेक्शन देखिएगा, x डेस किसके बराबर जीरो, एल्फा x प्लस क्या आ गया बीटा t। सॉल्यूशन कीजिएगा, एल्फा x किसके बराबर हो गया माइनस बीटा t, अवकलन कर दिया मैंने तो एल्फा dx किसके बराबर हो गया माइनस बीटा dt। वेग v मानना है, v क्या होता है dx बट्टा dt, मीन्स आपको वेग चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, dx बट्टा dt निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, dt को इधर भेज दो, dx अपॉन dt दैट इक्वल माइनस बिट्टा, एल्फा कहाँ आ गया जी नीचे। समझ आई बात, आगे आप इसको क्या लिख सकते हो, वेग v,
किसके बराबर, माइनस बीटा बटा एल्फा। इक्वेशन क्या मान लिया अपन ने, इसको सी मान लिया, दिक्कत नहीं हुई, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार क्या होगा कि यदि जो डायग्राम से देखो आप थोड़ा सा, यहाँ एस था और यहाँ पे क्या था, एस बेस था। पहले प्रेक्षक किसको देख रहा था, एस को, मीन्स एस बेस में बैठकर किसको देख रहा था, एस। अब क्या होगा, यहाँ बैठ के यदि यहाँ वाला देखे, मीन्स यहाँ बैठ के प्रेक्षक इस वाले निर्देश तंत्र को देखे, तो उसको लगेगा कि वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये एक प्रैक्टिकल मेजरमेंट होता है, अपन थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। मीन्स वहाँ बैठ के यदि देखेगा तो उसको लगेगा जो वेलोसिटी का मान है वो कम हो रहा है। कब, जब एक्स बराबर जीरो है, उस सिचुएशन में उसका जो वेग है वो क्या हो रहा है जी, कम हो रहा है। तो एक्स बराबर यदि जीरो है, वेग कम हो रहा है, तो समीकरण ए से आप वापस से डिस्कशन कर सकते हो। देखिएगा सेकेंड कंडीशन कैसे वैल्यू निकालते हैं, एट एक्स बराबर जीरो वेग वो क्या हो गया जी, वी डेस, वी डेस नहीं हुआ, कितना हुआ, माइनस वी डेस, समझिए इस बात को। देन फ्रॉम इक्वेशन ए, समीकरण ए ये रही, एक्स डेस नो चेंज, बढ़ो आगे, एल्फा एक्स की जगह जीरो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बीटा साथ में क्या जी, टी। अवकलन कीजिएगा, डी एक्स डेस इक्वल किसके आ गया, बीटा इंटू डी टी डेस, नहीं डी टी, फिर डी एक्स डेस अपोन नीचे क्या आ गया, डी टी किसके बराबर जी, बीटा, बताया हुआ है ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऊपर डेस नीचे कुछ नहीं है, एट टी बराबर टी डेस बराबर जीरो पर डी टी को क्या लिखते हैं अपन, डी टी डेस। तो इजीली लिख सकते हो डी टी डेस बट्टा, नहीं डी एक्स डेस बट्टा डी टी डेस किसके बराबर आ गया जी, बीटा के इक्वल आ गया। ठीक तो चल रहा है ना पूरा, ठीक है यहाँ तक। मीन्स अभी इतना रखो आप कि डी एक्स डेस क्या मिला अपने को, बीटा इंटू डी टी, और इसको अपन मान लेते हैं कि ये नेक्स्ट वाला कोई इक्वेशन है डी। लेकिन जैसे ही मैंने एक्स बराबर जीरो किया, किस पर इफेक्ट पड़ा, इक्वेशन बी पर भी इफेक्ट पड़ा, एक्स डेस बराबर जीरो किया तो यहाँ एक्स डेस था नहीं, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है भैया, या ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए इक्वेशन आप कैसे लेते हो। x बराबर जीरो जैसे ही किया अपन ने, तो t डेस पर भी इफेक्ट पड़ा, और t डेस किस में कन्वर्ट हुआ, देखिएगा b से, t डेस इक्वल फर्स्ट टर्म जीरो हो गई, आगे वाली पे बटो, प्लस डेल्टा साथ में क्या आ गया जी, t। इसका अवकलन करो, डी टी डेस किसके बराबर हो गया, डेल्टा इंटू डी टी, इसको d माना था, इसको इक्वेशन क्या मान लो, e। अपने को v चाहिए तो d में e का भाग दे दो, d में भाग दो e का, बहुत आसान है, दीजिएगा तो डी एक्स डेस अपोन डी टी डेस इक्वल बीटा इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू डी टी, डी टी से डी टी चला गया, अपने को क्या मिला, डी एक्स डेस अपोन डी टी डेस, मान क्या मिला जी, बिट्टा अपोन डेल्टा, डी एक्स अपोन डी टी, एक्सप्लेनेशन से बताया आपको किसके बराबर जी, माइनस वी के, रख दीजिएगा तो माइनस वी किसके बराबर, बिट्टा अपोन डेल्टा, बिट्टा क्या निकल गया, माइनस डेल्टा इंटू वी, क्या हो गई इक्वेशन। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने को क्या जरूरत है कि अपन ये करते हुए चले, जरूरत है क्योंकि जो कांस्टेंट अपन ने मानने हैं, इन कांस्टेंट का मान अपने को निकालना होता है, तब अपने को इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब देखिएगा यहां एक इक्वेशन निकाली थी अपन ने सी, यहाँ पे बिट्टा का मान निकालो आप, मीन्स इक्वेशन सी के बाद बिट्टा क्या मिल गया अपने को, माइनस एल्फा इंटू बी सी ए, कोई इक्वेशन है, यहाँ पर बिट्टा का मान निकाला क्या मिला, माइनस डेल्टा वी, मीन्स दो इक्वेशन है, इक्वेशन ध्यान में रखना, ये दो इक्वेशन है और दोनों किसके इक्वल है, बिट्टा के इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों समीकरण आपस में बराबर भी होंगे। ठीक है, then we can write as by equation C A and F।
समझे इस बात को, माइनस एल्फा वी इक्वल माइनस डेल्टा इंटू वी, वी टू वी माइनस टू माइनस, मीन्स एल्फा किसके बराबर आ गया, डेल्टा। अपने पास चार कॉन्स्टेंट थे, एक रिप्लेस हो जाएगा, या तो एल्फा की जगह डेल्टा रख दीजिएगा या डेल्टा की जगह एल्फा रख दीजिएगा। समझ आई बात, कर सकते हो ना ऐसा। तब समीकरण सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिएगा x डैश आपको क्या मिलेगा, x डैश किसके बराबर था, एल्फा x, ठीक है, प्लस क्या था, बीटा t, और बीटा की वैल्यू अपन ने निकाली क्या है, माइनस एल्फा v। तो सुनिएगा ध्यान से, x डैश इक्वल एल्फा x माइनस बीटा की जगह रखा तो एल्फा v, साथ में क्या आ गया, t। x डैश इक्वल दोनों में से एल्फा बाहर ले लिया, x माइनस क्या आ गया जी, वी टी। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन ले लो, मान लो इक्वेशन क्या है, जी, ठीक है यहाँ तक। फिर वाई डेस क्या मिला, वाई डेस में तो कोई करेक्शन था ही नहीं, वाई डेस वाई के इक्वल था, जेड डेस किसके इक्वल था, जेड के इक्वल, बच्ची किसकी बात, टी डेस, और टी डेस का यहाँ जो इक्वेशन लिखा हुआ था वो क्या था, गामा एक्स प्लस डेल्टा टी, ऐसा था ना, गामा एक्स प्लस डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा अपन ने निकाला है किसके बराबर है जी, एल्फा के बराबर, तो एक पैरामीटर अपन ने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन एच। तो समझे आप इस वाले कॉन्सेप्ट को कि कैसे अपन ने ये सारी वैल्यूज निकाली है। तो एक्स डेस वाई डेस जेड डेस इन सब का मान समीकरण जो थी ना, एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर प्लस जेड डेस स्क्वायर, शायद 1, 2, 3, 4 वाला इक्वेशन था, ठीक है ना, वहाँ पे यदि आप रखोगे, अब वो जो समीकरण है वो आपको पता रखना, शायद मेरे ध्यान में है कि वो समीकरण 4 था, और था क्या मैं बता देता हूँ, एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई डेस स्क्वायर प्लस जेड डेस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डेस स्क्वायर किसके बराबर था, 0। इसमें वैल्यू पुटअप कर दो ये। तो फर्स्ट स्टेप देखिएगा, एल्फा एक्स माइनस वी टी, इसका क्या हो गया जी, स्क्वायर, वाई डेस की जगह वाई आ गया, येलो, जेड डेस की जगह जेड आ गया, येलो, माइनस सी स्क्वायर, टी डेस की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, गामा एक्स प्लस एल्फा टी, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। यहाँ तक जिसके समझ आ गया, अब आगे सिर्फ कंपेरिजन बची है, सीधा कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर करने के बाद सॉल्यूशन निकल आएगा। स्क्वायर खोल दो तो एल्फा स्क्वायर, इसका भी खोल दो तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ो, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया, जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, खोलिएगा, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू, गामा एल्फा एक्स टी, अंदर और मल्टीपल कर दीजिएगा, एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, गुणा तो कर ही सकते हो ना, टाइम लग रहा है अपन मल्टीपल कर रहे हैं, तो टू गामा एल्फा एक्स टी किसके बराबर आ गया जी, 0 के इक्वल आ गया। अब कोफिशियंट अलग कर लो, जहाँ एल्फा स्क्वायर है उसको अलग कर लो, या एक्स अलग कर लो, वाई अलग कर लो, ठीक है, करते हैं अपन, देखिएगा एक्स स्क्वायर की टर्म ढूंढिएगा, एक तो ये है, दूसरी एक्स स्क्वायर की टर्म ये, करो अलग, एक्स स्क्वायर बाहर लिया अंदर, यहाँ तो एल्फा स्क्वायर रह गया, और वहाँ क्या रहा, माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, इतना काम हुआ जी। प्लस नेक्स्ट अपन बाहर निकालेंगे एक्स टी, जहाँ जहाँ पे एक्स टी है, शायद दो जगह मिलेगा अपने को एक्स टी, तो ये रहा x, ये रहा t, यहाँ पे भी है एक्स टी, माइनस ही ले लो बाहर, तो यहाँ पे क्या रहा, 2v, और 2v बाहर ले सकते हैं दोनों में है, तो यहाँ पे रहा v इंटू एल्फा स्क्वायर, ठीक है, 2xt ले लिया बाहर, प्लस c स्क्वायर साथ में गामा, और गामा के साथ क्या रह गया जी, एल्फा। फिर नेक्स्ट वाई स्क्वायर अकेला रहेगा, अकेले टर्म है, प्लस क्या रहा, जेड स्क्वायर, फिर दो टर्म और कौन सी रहेगी, उनमें से भी अपने को बाहर लेना है, ठीक है,
उनमें से टी स्क्वायर बार आ रहा है। देखो टी स्क्वायर की टर्म कहाँ पे है, एक तो ये रही और दूसरी टर्म ये रही, तो ले लो बाहर टी स्क्वायर। यहाँ पर टी स्क्वायर के साथ क्या है, एल पाई स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एल पाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया जी, जो थोड़ा सा लेंथ ही है, ठीक है ना। कोपिशियंट आपको अलग अलग करने हैं। अब इस वाले समीकरण की समीकरण दो से तुलना आपको करनी है, ठीक है। इस समीकरण की तुलना किससे करनी है आपको, दो से, और दो से करने के बाद वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिएगा कैसे करेंगे, समीकरण दो क्या थी, दो थी या तीन थी, वो वाली जो इक्वेशन थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इससे आपको कंपेरिजन करना है। इक्वेशन मान सकते हैं अपन ये नेक्स्ट वाला, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, इस समीकरण की तुलना इस वाले समीकरण से करने पर, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है, वन, पीछे वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ये है, मीन्स एल पाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर किसके बराबर है जी, समझे इस बात को। फिर देखिएगा क्या इसमें कोई टू एक्स टी की टर्म है, नहीं है, मीन्स टर्म है तो वो जीरो का मल्टीपल है, मीन्स ये वाला जो इक्वेशन है वी एल पाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा एल पाई किसके बराबर होगा जी, जीरो। कंपेयर कर रहे हैं अपन, फिर वाई है जेड है, टी स्क्वायर यहाँ पे क्या है माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी देख लीजिएगा टी स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मीन्स माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा इस वाली टर्म के, तो एल पाई स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एल पाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया जी, माइनस सी स्क्वायर के। इतना समझे आप, अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बचा है। सबसे लास्ट वाला जो इक्वेशन है उसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ और क्या रिजल्ट मिलता है देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, एल पाई स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एल पाई स्क्वायर इक्वल माइनस सी स्क्वायर, माइनस को खत्म करता हूँ तो इसको उल्टा लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर एल पाई स्क्वायर माइनस एल पाई स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सी स्क्वायर, दोनों में से एल पाई स्क्वायर बाहर लो, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर किसके बराबर जी, सी स्क्वायर, एल पाई स्क्वायर क्या मिला आपको, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, समझ रहे हो इस बात को। एल पाई स्क्वायर सी स्क्वायर का ऊपर नीचे भाग देने पर ऊपर वन रहा, नीचे वन माइनस क्या हो गया जी, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मीन्स एल्फा क्या मिल गया आपको, वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सुंदर तरीके से ये भी लिख सकते हो, एल्फा इक्वल वन अपॉन रूट वन माइनस वी अपॉन सी का स्क्वायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो समझ आइए अपन ने कैसे निकाला, मैंने एल्फा क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को पता है एल्फा किसके इक्वल है, अपने डेरिवेशन किया है, एल्फा डेल्टा के इक्वल है ना, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लिया, अब इस वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, उल्टा चलोगे तब रिजल्ट जल्दी आएगा, वरना प्लस माइनस करते रहोगे। कीजिएगा इस इक्वेशन को लिखिए, वी एल्फा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा किसके बराबर है जी, जीरो। चलो कोई दिक्कत नहीं, v इंटू एल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, माइनस सी स्क्वायर गामा इंटू एल्फा से एल्फा चला गया, गया कि नहीं, डिवाइडेशन चला जाएगा इजीली, गामा क्या मिला, गामा इक्वल v इंटू एल्फा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस में अपने को मिल गया, ठीक है। कि गामा की वैल्यू क्या है, माइनस वी एल्फा अपॉन सी स्क्वायर। अभी अपन ने एल्फा की वैल्यू निकाल ली, लेकिन एल्फा की निकाली, एल्फा किसके बराबर है, अरे डेल्टा के बराबर है, मींस दो वैल्यू अपन ने निकाली, बचा क्या अपने पास, एक तो गामा बचा और एक क्या बचा हुआ है, बीटा बचा हुआ है, ठीक है। उनकी वैल्यू भी अपन निकालते हैं, और कैसे निकालोगे थोड़ा सा और सुनिएगा, इक्वेशन टी डेस क्या थी, गामा एक्स प्लस डेल्टा था कि नहीं था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टी डेस इक्वल गामा एक्स, डेल्टा किसके बराबर आ गया जी, एल्फा के बराबर आया था, निकाला था अपन ने, ठीक है ना, कि गामा की वैल्यू किसके इक्वल थी, एल्फा के, डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल थी, एल्फा के इक्वल थी, ठीक है। चलो गामा अब अपने पास है, तो टी डेस इक्वल रखिए माइनस वी एल्फा डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, साथ में क्या है x, प्लस एल्फा, साथ में क्या आ गया t, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे, t डेस इक्वल
दोनों में से क्या बाहर आ रहा है जी, अल्फा, यहाँ पे क्या रहा टी, माइनस यहाँ पे क्या रह गया वी एक्स अपोन सी स्क्वायर। इस टर्म में कोई गामा की टर्म नहीं है, मीन्स एक ही पैरामीटर है और एक पैरामीटर है एल्फा, और एल्फा अपने पास ज्ञात है कि एल्फा क्या है, वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो टी डेस आपको क्या मिल गया, एल्फा की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए, रूट वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन लिखते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो अपन ने क्या देखा, पूरा करेक्शन किया अपन ने, ठीक है, और एक्स डेस अपने पास क्या था, सुनना ध्यान से, एक्स डेस ये था ना एल्फा एक्स प्लस बीटा टी था कि नहीं, एल्फा एक्स प्लस बीटा टी था, एल्फा की वैल्यू अपन ने निकाली, ठीक है, और बीटा की भी निकाली। तो क्या होगा, एक्स डेस इक्वल टू, यहां से यदि मैं बाहर लूं, मैंने ये बता दिया था ना शायद आपको इस दो तीन बार बोर्ड साफ कर दिया है कि बीटा की वैल्यू क्या थी, ठीक है ना, बीटा बराबर क्या था माइनस वी इंटू डेल्टा, वापस से सुन लो, बीटा बराबर क्या था माइनस वी इंटू डेल्टा था, ठीक है ना, और डेल्टा किसके बराबर निकाला है अपन ने, एल्फा के इक्वल निकाला है, तो बीटा बराबर माइनस वी इंटू क्या हो गया एल्फा। थोड़ा लेंथी है, धैर्य रखना, बीटा को एल्फा के पदों में रखो तो माइनस वी इंटू एल्फा, साथ में क्या आ गया टी, तो एक्स डेस क्या आ गया, एल्फा बाहर लिया तो एक्स माइनस, समझे इस बात को आप, ठीक है, y डेस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, y डेस बराबर y था, z डेस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, z डेस किसके बराबर था z के, t डेस अपन ने निकाल लिया, t डेस क्या है जी वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, समझे इस बात को। यहाँ पे देखिएगा x डेस में आपके पास क्या निकल रहा है, मिटा दिया है मैंने, साथ साथ अगर लिख रहे हो तो लिखते लिखना आप, ठीक है ना, एक्स डेस को क्या लिख सकते हैं, एल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन कि कितना मान है, तो एक्स डेस इक्वल वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साथ में क्या है एक्स माइनस वी टी। थोड़ा सा मैं सुंदर यदि इन इक्वेशंस को लिखूं तो अपने पास ये निकल के आ रहा है, पहला इक्वेशन जो एक्स डेस अपन ने माना था उसका करेक्शन किया तो आंसर आया वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, समझ गए। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन है कोई कैपिटल डब्ल्यू। उसी प्रकार वाई डेस में कोई परिवर्तन नहीं था, जेड डेस में कोई परिवर्तन नहीं था, इसको मैं मान लेता हूँ कोई इक्वेशन एक्स। लास्ट कौन सी बची टी वाली, तो टी डेस क्या निकल के आया वन अपॉन रूट, पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साथ में क्या आ गया जी टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लेता हूं मैं वाई, तो ये जो इक्वेशन है डब्लू एक्स वाई, इन्हीं इक्वेशन को कौन से इक्वेशन कहा जाता है जी, लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहा जाता है, जो कि अपनी हेडिंग थी कि लोरेंज रूपांतरण समीकरण क्या, मीन्स आप यहां क्या लिख सकते हो, समीकरण कैपिटल डब्लू कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण है। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए, लोरेंज तो आपने निकाल दिया और बहुत बेखूबी आपको हर एक स्टेप बताते हुए चले हैं, और आपसे आशा करते हैं कि आप साथ साथ नोट्स बनाना या जो अवेलेबल नोट्स हैं उनके साथ रेफर करते हुए आप चलना। साथ में एक टॉपिक आता है लोरेंज की जगह, कई बार ये पूछ लेता है व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण, फिर से सुन लो, इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कुछ नहीं करना होता आपको, ये जो इक्वेशन लिखे हुए हैं ठीक है ना, उनमें x की जगह x डेस और x डेस की जगह x कर दीजिए, माइनस को किस में चेंज कर दीजिए, प्लस में चेंज कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण। क्या कहा मैंने, x चेंज टू x डेस या x डेस चेंज टू, ठीक है, y चेंज टू y डेस, समझ आ रही बात, y डेस चेंज टू y, z चेंज टू z, समझ आई बात, नेगेटिव चेंज टू, क्या मिल जाएगा आपको, व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण। कैसे मिलेगा देखिए, x डेस की जगह मेरे को x करना है, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ कैपिटल W की, x मिल गया वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, x की जगह क्या करना है x डेस कर दिया, माइनस आ गया, माइनस की जगह क्या करना है प्लस, साथ में क्या आ गया जी
दैट्स ओके। वाई डेज की जगह क्या करना है वाई, और वाई की जगह क्या करना है वाइट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन करना पड़ता है जब ये नाम आ जाता है। उसी प्रकार जेड डेज की जगह क्या कर दिया जेड, और जेड की जगह समझ आई बात। नेक्स्ट पे आ जाओ, टी डेज की जगह क्या कर दो टी, साथ में क्या है वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी की जगह क्या करना है टी डेज, माइनस की जगह प्लस, क्या रहा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो किसको शो कर रहा है, व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण को व्यक्त कर रहा है। समझ आई बात। काफ़ी लेंथी टॉपिक था, काफ़ी बड़ा टॉपिक था, आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोरेंज रूपांतरण समीकरण क्या है, इसका मीनिंग क्या निकला, यदि कहाँ पे एक्स और एक्स डेज और एक्स के बीच में रिलेशन पूछे तो किस फैक्टर से ये गुणा हो रहा है, वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मीन्स गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या था, मैं आपको छोटी सी एक डेफिनेशन बताऊं, एक्स डेज क्या था x माइनस वी टी था, लेकिन इस वाली स्टेप को इस स्टेप से मल्टीपल करने को ही क्या कहते हैं, लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर से सुन लेना, गैलीलियन ये था और गैलीलियन को इस वाले कॉन्सेप्ट मीन्स इस टर्म से मल्टीपल करते ही क्या मिल जाता है, लोरेंज रूपांतरण समीकरण। लेकिन यदि आपसे पूछे कि आप ये बताइए लोरेंज से गैलीलियन आप कैसे चेंज करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लोरेंज से क्या चेंज करना है, गैलीलियन में चेंज करना। कैसे करोगे, बस मैं बता देता हूँ, यदि वी इज वेरी वेरी लेस देन, क्योंकि प्रकाश के वेग की तुलना में किसी पिंड का वेग क्या होता है कम होता है, तो देखिएगा अपने पास फैक्टर क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी बहुत कम है किससे, सी, मीन्स ये वाली टर्म अप्रोक्सीमेट क्या हो गई जी जीरो, तो आपको क्या बचा वन अपॉन रूट वन, वैल्यू क्या हो गई वन। जैसे ही इस कॉन्सेप्ट की जगह वैल्यू वन हो गई तो डायरेक्टली क्या मिल गया एक्स डेज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। दोनों आपको बताए हैं कि लोरेंज दिया है तो कैसे आप गैलीलियन में बदलोगे, गैलीलियन दिया है तो किस फैक्टर से गुणा करके आप लोरेंज में बदलोगे, लेकिन ध्यान इस बात का रहे एक्स दिशा में जब जा रहा है तो एक्स डेज वाले से मल्टीपल करना है, वाई यदि ये वाई दिशा में जाता तो एक्स डेज तो एक्स होता, वाई वाला फैक्टर किससे मल्टीपल हो जाता, इस वाले फैक्टर से। ठीक है, आपकी बुक का जो ओरिजिनल फिगर है वो मैंने आपको बताया है। वीडियो यदि आप देख रहे हो तो इनको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।